नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में जो कॉलेज छात्रों के लिए कुछ अपडेट्स निकल के आए उसके बारे में। तो सारी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। जो भी अपडेट आते हैं छोटी बड़ी, हम कोशिश करते हैं आप तक टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दें जिससे आप लोग घर बैठे फ्री में अपडेट रहें। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी बड़ी अपडेट है और रिजल्ट को लेकर भी अपडेट्स हैं वो हम जानेंगे। चलिए पहले देखते हैं कौन सी पहली अपडेट है। ये सबसे पहली बड़ी अपडेट आ रही है CCSU की ओर से, जो कि मेरठ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें लिखा है कि मेरठ के कॉलेजों में पहली ओपन मेरिट में अब 20 अक्टूबर तक होंगे प्रवेश। ये सबसे बड़ी अलाउंस है, तो इसे समृद्ध जितने भी कॉलेज के छात्र उनके लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। इसमें लिखा मेरिट के कॉलेज में पहली ओपन मेरिट में अब 20 अक्टूबर तक होंगे प्रवेश। तो आप लोग अभी तक नहीं लिए हैं तो करा सकते हैं, आपके पास अभी टाइम है। CCU मेरिट की ओर से 11 अक्टूबर को प्रथम ओपन मेरिट जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय कॉलेजों में प्रवेश 18 अक्टूबर तक होने थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जल्द से जल्द करा लीजिएगा, अदरवाइज टाइम और डिले होगा तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट थी। बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की। दूसरी बड़ी अपडेट जो है वो आ रही है BRABU मुजफ्फर, यानी कि BRABU यूनिवर्सिटी की ओर से, जो कि मुजफ्फर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि लिखा है कि बिहार यूनिवर्सिटी के PG कोर्स में एडमिशन खत्म हो गया है, क्लास शुरू करने के लिए दिए गए निर्देश हैं। इसमें बता दें कि जो PG यानी कि MSc MCOM के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले छात्रों के क्लास शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसमें और लिखा है कि यूनिवर्सिटी के DSW ने बताया कि डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि DRABU के PG विभाग में कुछ विषयों को छोड़ अन्य में सीटें फुल हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि एडमिशन के साथ ही विभागाध्यक्ष के नियमित क्लास शुरू करने के लिए कहा गया है, ताकि सत्र नियमित किया जा सके। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुकी है, उसमें क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि ये नहीं है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी वो भी एडमिशन ले रही हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेकर प्रोसेस ख़त्म कर दिया, अब एडमिशन नहीं ले रही हैं और वो क्लासेस स्टार्ट कर दी और रेगुलर्स में छात्र क्लासेस करने चाह रहे हैं, और जहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी ने किया हुआ तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वहाँ पे जाके, ठीक है। बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। अगली बड़ी अपडेट आ रही है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की ओर से आ रही है, ठीक है। इसमें जो रिजल्ट को लेकर है, तो इसमें रिजल्ट MA वाले का जो रिजल्ट अभी जल्दी 3-4 दिन पहले घोषित किया था, और सेकेंड ईयर वालों का है, मैथमेटिक्स वालों का है, MSc वालों का है, MCOM वाले का है, MA वालों का है, ठीक है। इसी तरह के जो PG और UG के जो छात्र, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। कुछ दिन पहले यहाँ पर BA BSc BCOM वाले छात्रों का भी रिजल्ट घोषित किया गया था, लेकिन हालांकि इस जो रिजल्ट अपडेट में BA फर्स्ट ईयर BSc फर्स्ट ईयर और BCOM फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी जो प्रमोट हुए थे इस बार, उनका रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है इस अपडेट में। वो कब आएगा उसकी अभी कोई अधिक जानकारी नहीं मिली है मुझे, जैसे भी मिलेगी हम आपको अपडेट कर देंगे। फर्स्ट ईयर वाले छात्र परेशान हो रहे होंगे, लेकिन वेट करिए आप लोग, जल्द ही घोषित होगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। और हालांकि लगभग सभी छात्रों का रिजल्ट आ गया है फर्स्ट ईयर वालों को छोड़ के। अगली बड़ी अपडेट है, मैं आपको बता दूं CCSU की ही ओर से है। तो CCSU में भी जो रिजल्ट हैं वो घोषित कर दिए गए हैं लगभग फर्स्ट ईयर और के छोड़ के, यानी BA BSc BCOM के जो फर्स्ट ईयर वाले जो छात्र उनको छोड़ के लगभग सभी का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और भी इसी तरह की जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।